दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स एंड गुडॉन पे। मेरा नाम है बंकिल कपूर। दोस्तों 10th लेक्चर कंप्यूटर्स का आज मैं लेके आया हूँ सभी के लिए। इससे पहले 9 लेक्चर्स जो है कंप्यूटर्स पे वो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में हैं वो। और आज हमने लास्ट चैप्टर जो हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करना है। इससे पहले हमने फिजिक्स का जो पोर्शन है JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का वो ऑलमोस्ट नहीं 100% कंप्लीट कर दिया है। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और अब से जेके बैंक के रिगार्डिंग जो मैं रीजनिंग की 50 पजल कोर्स सीरीज चला रहा हूँ वो भी आपको वीडियोस मिलने शुरू हो जाएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि क्वांट सेक्शन के रिगार्डिंग भी आपके लिए वीडियोस कुछ ना कुछ लाई जाए और जो इम्पोर्टेंट होगी हमारे लिए और जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उसे ईजी किया जाएगा। आज आप लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो लास्ट में हमने कीबोर्ड पढ़ा था, कीबोर्ड की कीज के बारे में हम बात कर रहे थे। आज कीबोर्ड की जो बाकी रिमेनिंग कीज है हमने उनके बारे में बात करना है। पहली आ गई कंट्रोल की। देखो कंट्रोल को कीबोर्ड के ऊपर CTRL इस फॉर्म में लिखा होता है, शॉर्ट में कंट्रोल। और कंट्रोल की से बहुत सारे शॉर्टकट्स जो है वो किए जाते हैं। मतलब किसी चीज़ को कॉपी करना है, किसी चीज़ को पेस्ट करना है, डायरेक्टली हम Ctrl+C Ctrl+V यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कंट्रोल हमेशा कुछ स्पेशल ऑपरेशंस जो है उन्हें परफॉर्म करता है। और ये मैंने दो एग्जांपल दिए, ऐसे 20+ एग्जांपल्स हैं जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो कंट्रोल भी होती है। तो कंट्रोल के ज़रिए हम बहुत सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो कर सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होती है बाकी कीज़ के साथ। मीन्स अकेला कंट्रोल नहीं, कंट्रोल के साथ किसी और को भी प्रेस करना होता है एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, तो हमारा शॉर्टकट जो है वो होगा। तो इट मीन्स ये परफॉर्म करता है स्पेशल ऑपरेशन इन कॉम्बिनेशन या विद द कॉम्बिनेशन विद अदर कीज, दूसरे कीज के साथ कॉम्बिनेशन में। इसीलिए कंट्रोल की को कॉम्बिनेशन की भी बोला जाता है, वो आगे आएंगे हम। फिर आता है एंटर की। जब भी किसी भी कुछ लिख रहे हो आप, आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है, एंटर को प्रेस करके जाया जा सकता है। या इसे यूज करते हैं हम फिनिश करने के लिए, एक एंट्री को फिनिश किया और नेक्स्ट लाइन पे जाके दूसरी एंट्री आप उस पर जो है उसे शुरू कर सकते हो। तो एंटर की जो है ये बेसिकली ओके बटन जो होता है ना उसी की तरह ही होता है, ठीक। फिर बात आती है शिफ्ट की की। देखो शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, अगर मैं आपको बताऊं शिफ्ट के साथ अगर हम कोई अल्फाबेट या लेटर वाली की को प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल में आ सकती है, ठीक है। और शिफ्ट की जो है ये कुछ ऐसे कीज होती है कीबोर्ड पे जिनके टॉप पे कुछ लिखा होता है। मतलब मेनली वो किसी और चीज के लिए, बट टॉप में कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं और शिफ्ट के जरिए हम उनको अपने स्क्रीन पे टाइप कर सकते हैं। देखो कुछ कीज ऐसी हैं कीबोर्ड पे जैसे कि न्यूमेरिक कीज होंगे, ये जो 1 2 3 इनके ऊपर एक सिंबल प्रिंट होता है अपर पोर्शन में, ठीक। शिफ्ट की को यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए इन्हीं सिंबल्स को। और मैंने बताया शिफ्ट की के जरिए हम कैपिटल लेटर्स या उसमें भी लिख सकते हैं। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो हमारे पास ये है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूछा जाता है, जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना स्पेस बार की जो है लॉन्गेस्ट की है, ये टॉपिक पूछा गया है एक सवाल। तो वैसे ही शिफ्ट की पूछा जाता है कितनी शिफ्ट कीज है हमारी कीबोर्ड पे। तो याद रखिएगा दो शिफ्ट कीज होती है, एक लेफ्ट में होती है हमारे सामने कीबोर्ड है, एक लेफ्ट पे होती है कंट्रोल से ऊपर, एक राइट पे होती है कंट्रोल से ऊपर। तो आई होप शिफ्ट की का भी आपको मालूम हो गया होगा। देन आगे आते हैं, आगे कौन सी की के बारे में हमने लिखा है, कैप्स लॉक की। देखो ये तो बहुत इजी है ना, कैप्स लॉक का मतलब क्या हो गया कि आपने लेटर्स को कैपिटल में अगर लिखना है और उसको अगर आपने प्रेस कर दिया एक बार तो वो आप जो भी लेटर टाइप करोगे वो कैपिटल में आएगा। इट इज़ यूज्ड टू टाइप अल्फाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स, इसे इस्तेमाल किया जाता है अल्फाबेट्स को बड़े लेटर्स में लिखने के लिए। जब इस की को आप एनेबल कर दोगे, मतलब आपने अगर ये की दबा दी और उसके बाद आप कोई भी लेटर डालोगे वो कैपिटल में आएगा। तो जब भी ये की एनेबल होगी अल्फाबेट वुड बी इन कैपिटल लेटर्स, और जब ये डिसेबल होगी तो अल्फाबेट हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे, एंड व्हेन इट इज डिसेबल्ड अल्फाबेट वुड बी इन स्मॉल लेटर्स, क्लियर। विंडो की। विंडो की बेसिकली क्या होती है, ये जैसे हम स्टार्ट बटन होता ना नीचे स्क्रीन के सामने एक्सट्रीम लेफ्ट बॉटम में स्टार्ट बटन होता है, तो अगर आपने स्टार्ट बटन नहीं दबाना मतलब वहां पे क्लिक नहीं करना तो डायरेक्टली आप विंडो की को प्रेस कर लो। इट इज यूज्ड टू ओपन स्टार्ट बटन।
स्टार्ट को ओपन करने के इस्तेमाल किया जाता है। टैब की, इट इज यूज टू मूव द कर्सर ओवर राइट टू ए प्री सेट पॉइंट। मतलब क्या हो गया कि आप कुछ टाइप कर रहे हो और आपने डायरेक्टली स्पेस कर करके आगे नहीं पहुंचना, डायरेक्टली एक पॉइंट पे पहुंचना है, तो आप डायरेक्टली टैब की दबाओगे और उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। कर्सर आपका जो है वो राइट पे जो आपने सेट किया होगा पॉइंट वहां तक पहुंच जाएगा। और वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब को यूज किया जाता है पैराग्राफ बनाने के लिए भी, इंडेंट करने के लिए, नया पैराग्राफ लाने के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, देखने ध्यान से। शिफ्ट की, मैंने अभी आपको बताया शिफ्ट की को यूज किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। शिफ्ट की को भी कॉम्बिनेशन के साथ किया जाता है क्योंकि हमें जो सिंबल प्रिंट होता है अपर पोर्शन में उसे लाना है। और आपको मैंने अभी बताया कंट्रोल की को भी कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया जाता है, इसलिए इन की को कॉम्बिनेशन कीज भी बोलते हैं, शिफ्ट को भी और कंट्रोल को भी, पूछा गया है ये। और एंटर की जो है दैट इज एन अल्टरनेटिव टू प्रेस ओके बटन। मीन्स अगर आप प्रेस मतलब ओके बटन नहीं दबाना चाहते तो आप क्या दबा सकते हो, एंटर की, दैट इज एन अल्टरनेटिव, दूसरा रास्ता। तो यहां पर हमारी जो कीज है वो होती है कंप्लीट। बट एक पॉइंट बहुत बार सवाल पूछा गया है, टॉगल कीज क्या होती है। तो टॉगल कीज भी समझने से पहले हमें पता होना चाहिए टॉगल का मतलब क्या है। जब इंसान अपनी स्टेट को चेंज करता है तो स्टेट को चेंज करने को हम बोल सकते हैं टॉगल करना, ठीक। कैप्स लॉक और नम लॉक कीज को बोला जाता है टॉगल की। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कैप्स लॉक और नम लॉक की जो है इन्हीं को हम बोलते हैं टॉगल कीज, क्योंकि जब हम इन्हें प्रेस करते हैं तो ये चेंज करती है अपनी स्टेट को एक से अदर। मैंने बताया था ना, ये अगर अनेबल हो, नहीं, ये अगर डिसेबल हो गई, अगर ये डिसेबल हो गई, कौन सी, कैप्स लॉक मान लो, तो कैपिटल स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे, लेटर्स में स्मॉल कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे, समझ रहे हो, कैपिटल में नहीं लिखे जाएंगे या अल्फाबेट्स। और अगर ये अनेबल हो गई तो फिर हम उसे लार्ज में लिख सकते हैं, मीन्स कैपिटल में लिख सकते हैं। वैसे ही नम लॉक की क्या था, अगर नम लॉक की को आपने प्रेस कर दिया तो नम लॉक लॉक हो जाएगा, मीन्स इसे भी हम एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो ये अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, या ये एनेबल हो सकता है या ये डिसेबल हो सकता है, फ्रॉम एनेबल टू डिसेबल और फ्रॉम डिसेबल टू एनेबल। ये हो गया चेंज इन स्टेट, ये हो गया टॉगल करना। दैट्स व्हाई दीज टू कीज आर ऑल्सो नोन एज टॉगल कीज। आई होप नाउ ये जो कीज वाला पोर्शन है कीबोर्ड का, ये आपको क्लियर हो गया हो। मैं आपको एक क्लियरली बता दूं, जो कुछ बुक्स आई हैं अभी नई मार्केट में, तो उसमें कीज के बारे में नहीं बताया गया, डायरेक्टली कीबोर्ड के बारे में बताया गया। बट कीज के बारे में मालूम होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है बहुत बार। बात आती है पॉइंटिंग डिवाइसेस की। देखो पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या हो गए, ये ऐसी डिवाइसेस होती है जो कि मैं आपको बोलूं, जिनको हमें पॉइंट करना होता है और हमारी स्क्रीन पे जो कर्सर है वो मूव होता है, जैसे माउस हो गया। बात करते हैं कैसे, यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑन द मॉनिटर। हम माउस के जरिए पॉइंट करते हैं ना, माउस के जरिए पॉइंट करते हैं तो कर्सर मूव करता है, तो ये हो गया पॉइंटिंग डिवाइसेस। मूवमेंट्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस आर इकोड ऑन द स्क्रीन बाय मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। मतलब अगर आप डिवाइस को हिलाते हो तो स्क्रीन पे जो कर्सर होता है वो भी हिलता है, ऑब्वियसली होता है। आइए मैं आपके लिए माउस भी लेके आया हूँ, मैं समझा देता हूँ। ये एक माउस है मेरे पास, ठीक है। जब मैं माउस को इस तरह से हिलाता हूँ तो आपको पता है ना आगे जो कर्सर होता है स्क्रीन में वो भी मूव करता है। तो ये हो गया पॉइंटिंग डिवाइसेस, मैंने पॉइंट किया है इसको स्क्रीन की तरफ, अगर मैं वहां ले जाऊंगा फिर नहीं होने वाला कुछ, इतना समझ रहे हो मेरी बात, सामने लेके जाऊंगा और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, पॉइंट करना पड़ेगा, दैट इज पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक। अब बहुत सारी पॉइंटिंग डिवाइसेज है, ये तो माउस मैंने एक एग्जांपल ली है, बहुत सारी है। अगर मैं आपसे बात करूं, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, टैब्स है, बहुत। एक पहले हम पढ़ते हैं माउस। देखो अगर आपको दूर से नहीं दिख रहा, मैं पास आके दिखाता हूं, देखिए अब ध्यान से, बहुत ईजी है ये। ये एक हमारे पास स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटी हैंडहेल्ड डिवाइस है। हैंडहेल्ड का मीनिंग क्या हो गया, जो हमने हाथ में पकड़ी हो, हमारे हाथ में आ जाए, है ये स्मॉल हैंडहेल्ड डिवाइस। तो माउस इज ए स्मॉल हैंडहेल्ड डिवाइस। इसमें दो या तीन बटन्स होते हैं, वो कौन से हैं ये देखिए,
फोकस फोकस हो जाओ। तो गाइज एक ये बटन है, एक ये बटन है, ठीक है। और इन दो बटन्स के बीच में ये देखो ये माउस भी है, सॉरी ये बॉल भी है, एक स्मॉल व्हील बोलते हैं हम इसको। और आप सबने ये माउस तो देखा ही हुआ ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि माउस जो है ये एक स्मॉल हैंडहेल्ड डिवाइस है, दो या तीन बटन्स होते हैं इसकी अपर साइड पे, एंड ऑल्सो हैज़ ए स्मॉल व्हील बिटवीन द बटन्स। दो बटन के बीच में ये स्मॉल व्हील भी होता है, दिख रहा है आप सभी को। द माउस मे बी यूज टू पोजिशन द कर्सर ऑन द स्क्रीन। माउस के जरिए हम कर्सर को पोजिशन करते हैं, आगे पीछे लेके जाते हैं। मूव एन ऑब्जेक्ट बाई ड्रैगिंग, एक ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर दिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट को मैंने पहले पकड़ा और फिर मैं माउस को ऐसे करूँगा, वो ऑब्जेक्ट भी स्क्रीन पे ड्रैग होता है। या फिर सेलेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिकिंग करके, चार ऑपरेशंस मेन है। कौन से? क्लिक, इट सेलेक्ट्स एन आइटम ऑन द स्क्रीन। अगर मैं किसी को भी क्लिक करता हूँ तो एक आइटम जो होती है स्क्रीन पे उसे सेलेक्ट करता है। डबल क्लिक, अगर दो बार क्लिक करूंगा, ठीक है ये लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं मैं, तो इट इज यूज टू ओपन ए डॉक्यूमेंट। दो बार क्लिक करूंगा तो जो ऐप होगी वो खुल जाएगी, क्रोम ब्राउजर है वो खुल जाएगा। और आई थिंक ये आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आपको पता होना चाहिए। राइट क्लिक, अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो आपको पता है कुछ ऑप्शन आती है, रिफ्रेश वाली तो आती है जिससे हम कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं। तो इट डिस्प्लेज ए लिस्ट ऑफ कमांड ऑन द स्क्रीन। और ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है तो मैं पहले उसे सेलेक्ट करूंगा और कहीं जाके छोड़ दूंगा, ये ड्रैग करके ये ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया माउस के बारे में, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सवाल आता है कि सर माउस के बारे में पूछा क्या जाता है, तो बहुत बार ये जो चार ऑपरेशन है ना इनके बारे में माउस के लिए बहुत बार पूछा गया है, ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह। और ये तो पूछे गई ना, माउस एक इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट, इनपुट डिवाइस चल रही है हमारी, पता है आपको। फिर माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है या नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। बात आती है नेक्स्ट पे, एंड दैट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या हो गया? देखो बहुत बार हम कुछ गेम्स खेलते हैं तो एक गियर टाइप कुछ होता है जिसे हम जॉयस्टिक बोलते हैं, जैसे कि सॉरी, तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि मूव कर सकती है सभी डायरेक्शंस में। जॉयस्टिक जब होती है ना हमारे पास, उसे मैं लेफ्ट में लेके जा सकता हूँ, राइट में, आगे पीछे। कुछ गेम्स होती है वहाँ जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है। मुझे याद है हम कुछ गेम सेंटर्स में जाते थे, जैसे जम्मू में वेव मॉल में हो गया, वहाँ कुछ गेम्स है ऐसी, तो हम इसे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक कर सकते हैं, वो जॉयस्टिक हो गई। एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर, जैसे आप आगे लेके जाओगे पीछे लेके जाओगे, सारा चीज़ें जो हैं ये आपकी स्क्रीन में कर्सर को कंट्रोल करता है। जॉयस्टिक्स आर यूज्ड इन फ्लाइट सिमुलेटर्स। देखो फ्लाइट सिमुलेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है इसको, जहाज फ्लाइट क्या हो गया, जो एयरप्लेन के जरिए किया जाता है। कैड कैम सिस्टम, अब कैड कैम सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है उनको पता होता है, तो कैड कैम सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। देन डिफरेंस क्या है जॉयस्टिक में और माउस में? ऐसे जॉयस्टिक और माउस का काम एक जैसा है, क्योंकि माउस भी मूवमेंट करती है कर्सर की, जॉयस्टिक भी मूवमेंट करता है कर्सर का। मगर अगर आपने माउस के जरिए एक बारी मान लो आप राइट लेके जा रहे हो, कर्सर भी राइट जाएगा, माउस को छोड़ दिया तो कर्सर वहीं पर रुक जाता है। जॉयस्टिक के साथ ऐसा नहीं होता, एक बारी आपने जॉयस्टिक को राइट क्लिक किया और चाहे आप छोड़ दो, कर्सर जो है वो राइट जाता रहेगा एंड पॉइंट तक। देखो लिखा भी है जॉयस्टिक इज सिमिलर टू ए माउस, है वो सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। कह रहा है बजाय, सिर्फ एक फर्क है, वो क्या, जो कर्सर की मूवमेंट होती है स्क्रीन पे वो रुक जाती है जब एक यूजर मूव करना रोक देता है माउस को, मतलब माउस को अगर उसने चलते हुए रोक दिया तो कर्सर भी रुक जाएगा। बट जॉयस्टिक के साथ ऐसा नहीं है, पॉइंटर मूव करता रहता है जिस डायरेक्शन में आपने जॉयस्टिक को मूव किया था, चलता रहेगा। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जॉयस्टिक एंड माउस में। एंड द लास्ट वन इज डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक टेबलेट्स। मैं आपको अगर बात करूं, आप अपने कभी लाइसेंस बनाने गए हो तो आपको पता होना चाहिए, जहां पे वो हमारा सिग्नेचर लेते हैं ना, डिजिटल सिग्नेचर लेते हैं, एक डिजिटाइजर उनके पास पड़ा होता है। या जो आजकल पेन टैब होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कुछ लोग यूट्यूब पे अपना चेहरा दिखता है उनका और वो कुछ भी लिख रहे होते हैं स्क्रीन पे आता है, बेसिकली उनके हाथ में पेन टैब होता है,
टैबलेट होता है, तो उसके ऊपर जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पे आएगा, समझ रहे हो मेरी पॉइंट। तो डिजिटाइजर और ग्राफिक टेबलेट्स वही होते हैं, हैव स्पेशल कमांड्स टू कन्वर्ट ड्राइंग्स फोटोज इनटू डिजिटल सिग्नल। इनके पास स्पेशल कमांड्स होती है ताकि जो ड्राइंग्स जो भी आप बना रहे हो या फिर कुछ फोटोज है उनको डिजिटल सिग्नल में लाता है, कुछ लिख रहे हो उसको डिजिटल सिग्नेचर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये है डिजिटाइजर्स और ग्राफिक टेबलेट्स। आई होप आज का लेसन आपको क्लियर हो गया हो। क्विक रिवीजन दे दे, कंट्रोल की उसके साथ कॉम्बिनेशन कोई और की यूज की जाती है, कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी कॉपी पेस्ट करने के लिए, एंटर की जो है इससे हम प्रेस करते हैं ताकि जो हम लिख रहे हैं उससे नेक्स्ट लाइन पे आ जाए फिनिश करने के लिए एंट्री को, शिफ्ट की के जरिए कुछ जो लेटर्स अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें कैपिटल में लिखा जा सकता है, या कुछ जैसे न्यूमेरिक कीज होती हैं उनके टॉप में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती हैं उनको टाइप करवाने के काम आता है। दो शिफ्ट कीज होती हैं, कैप्स लॉक की के जरिए हम कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, विंडो की के जरिए मैंने आपको बताया स्टार्ट बटन नहीं दबाना डायरेक्टली विंडो की दबाओ, टैब की के जरिए कर्सर डायरेक्टली आप मूव कर सकते हो, शिफ्ट की जो है वो कॉम्बिनेशन की कहलाती है, टॉगल कीज कौन सी होती है कैप्स लॉक और नम लॉक, याद रखना जिसके साथ लॉक हो क्योंकि अपनी स्टेट को चेंज करती है, पॉइंटिंग डिवाइसेस मैंने बताया, फिर माउस के बारे में बताया और जॉयस्टिक एंड डिजिटाइजर्स के बारे में बताया। आई होप आपको सही लगा होगा, कल आपको इसका नेक्स्ट सेशन मिल जाएगा जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर्स, स्मार्ट कार्ड रीडर्स, डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड रीडर्स, पॉइंट ऑफ सेल पीयूएस टर्मिनल डिवाइसेस और बहुत कुछ। रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, शुक्रिया।